सर्वपित्र अमावस्या के अवसर पर देश भर में परिजनों ने अपने पूर्वजों को याद किया। वहीं मध्य प्रदेश में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के आह्वान पर प्रदेश भर की नदियों और तालाबों पर रविवार की शाम को दीपावली जैसा माहौल देखने को मिला। कुछ ऐसा ही नजारा इंदौर के सिरपुर तालाब पर देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में परिजन अपने पूर्वजों की याद में दीपदान किया और उनके मोक्ष की कामना की। इससे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर के वरिष्ठ संवाददाता राम बहादुर वर्मा। राम बहादुर वर्मा जी, इस वक्त सिरपुर तालाब का क्या नजारा बताइए। सिरपुर तालाब इस समय दीपावली सा नजारा है। पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक द्वारा आह्वान करने पर के अपने पितरों को मोक्ष के लिए सर्वपित्र अमावस्या के दिन दान सरोवर में लगाए जाके उनके आज सैकड़ों की संख्या में हजारों की संख्या में महिला पुरुष अपने पितरों को तर्पण करने के लिए दीप दान कर रहे हैं जी। ये हालत अभी सिरपुर में यह है कि कम से कम 4 से 5 हजार महिला पुरुष लगे हैं। पूरा दिवाली सा माहौल है यहाँ पर। जिला प्रशासन को भी नहीं मालूम था कितनी भीड़ हो जाएगी तालाब पर, और ये देखते हुए एकदम प्रशासन जागा और तत्काल पुलिस व्यवस्था करी गई। अभी भी सिरपुर तालाब पे महिला पुरुष लगा है जी। राम बहादुर जी, जानना चाहूंगा कि किस हद तक इसे आप सही मानते हैं कि दीपदान करने से जो पूर्वजों को इनको शांति मिलेगी। ये तो किंवदंती है, जैसे पंडित मिश्रा ने कहा है कि अपने घर में के पास अथवा जलाशय के पास एक दीपदान करें जिससे अपने पितरों को मोक्ष मिलेगा। हमारी कई महिलाओं से बात हुई, उन्होंने बताया कि पंडित मिश्रा जी द्वारा आह्वान करने पर हम यहाँ पर पधारे हैं और दीपदान कर रहे हैं, और जो भी निमित्त रखते हैं घर का बनाया हुआ खाना वो भी रख रहे हैं यहाँ पर, और मेला सा लगा सिरपुर तालाब पर इस समय जी। काफी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में, भारी उत्साह महिला पुरुषों में। पुलिस प्रशासन को अचानक खबर मिली कि यहाँ पर कम से कम 5 से 7 हजार पब्लिक जा चुकी है। चूंकि ये संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पुलिस प्रशासन एकदम हरकत में आया और ताबड़तोड़ पुलिस व्यवस्था की गई और लोगों को तालाब के आसपास जाने से रोका भी गया। जो दीपदान कर रहे थे उन्हें किनारे किनारे दीपदान करने दिया गया है जी। जानकारी के लिए धन्यवाद। वहाँ उनको ये जो दिया है वो रोशनी दिखाता है, मतलब उनको अंधकार से उजाला दिखाता है। तो उनके निमित्त हम आते हैं और प्रार्थना करते हैं। पहले भी आपने किया था? हाँ, पहले भी हर साल करते हैं कि पंडित मिश्रा जी द्वारा आह्वान किया। नहीं, हर साल करते हैं। ये तो परंपरा। आपका नाम क्या? सारिका बुदड़ा। कहाँ रहते हैं आप? इंदौर से भी पधारते बहन जी। यहाँ पे हम सिरपुर तालाब में पितरों के निमित्त दीपक छोड़ने आए हैं। आज वो प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था, वैसे हम हर साल नहीं आते। अच्छा, पहली बार आया। आपका नंबर, नाम क्या है? पूजा, पूजा रटकिया। कहाँ रहते हैं आप? 02। हम इधर इंदिरा नगर, आदर्श नगर रहते हैं।